नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। साथ आपके मैं हूं शालिनी कपूर तिवारी और लेकर हाजिर हूं देश का सबसे बड़ा डिबेट शो देश को जवाब दो। पाकिस्तान के मियां नियाजी खान जागी आंखों से हसीन सपने देख रहे हैं। इमरान खान उस पीओके में रेफरेंडम के ख्वाब देख रहे हैं जो पीओके हिंदुस्तान का है। इमरान खान उस पीओके को पाकिस्तान में मिलाना चाहते हैं जहां के लोग हिंदुस्तान से मिलने के लिए वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। दरअसल इमरान खान ने पीओके में एक चुनावी रैली के दौरान वहां के लोगों के सामने नया पासा फेंक दिया है कि वो रेफरेंडम कराएंगे जिसमें पीओके या तो आजादी चुनेगा या फिर पाकिस्तान में मिल जाएगा। जबकि इमरान खान बड़े अच्छे से जानते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और देर सवेर भारत पीओके को लेकर रहेगा। इमरान खान को पीओके के भारत में शामिल होने का अब डर सताने लगा है और इसीलिए अब इमरान ने नया शगुफा छोड़ दिया है। जबकि यूएन के प्रस्ताव में आजाद देश का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान ने अब यह फैसला कर लिया है कि आपकी बार पीओके पर चढ़ाई होकर रहेगी और इसीलिए देश को जवाब दो में आज हम सवाल पूछ रहे हैं। पहला सवाल कि क्या पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है पीओके और इसीलिए अब दहशत में इमरान खान इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्या मोदी सरकार के मिशन पीओके से घबरा इमरान खान? अमित शाह का वो बयान आपको याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था जान लड़ा देंगे पीओके के लिए। क्या यूएन के प्रस्ताव के खिलाफ साजिश कर रहे हैं इमरान खान, क्योंकि यूएन के प्रस्ताव में अलग देश का अलग राज्य की कोई बात नहीं की गई है? और क्या पीओके में पाकिस्तान विरोध की आवाज को दबाना चाहते हैं मियां नियाजी? इसके पीछे इमरान खान की और क्या साजिश है, क्या चाल है, क्या घबराहट है, क्या डर है, इन सारी चीजों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। लेकिन उसके पहले रिपोर्ट दिखा देते हैं आपको। रेफरेंडम के जरिए आप फैसला करें, रेफरेंडम के जरिए आप फैसला करें। लगता है बड़बोले इमरान खान का दिमागी संतुलन कुछ बिगड़ सा गया है। माइक देखते ही दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है और जुबान हसीन ख्वाब से सजे तराने गाने लगते हैं। आजाद रहना चाहते हैं, रेफरेंडम के जरिए आप फैसला करें। 25 जुलाई को पीओके में पाकिस्तान की इमरान सरकार असेंबली चुनाव कराने जा रही है। अपने लाव लश्कर के साथ इमरान खान पीओके में रैलियां कर रहे हैं। शुक्रवार को गुलाम कश्मीर के तरार खल इलाके में थे। रैली तो चुनावी थी लेकिन इमरान की जुबान पर भारत के खिलाफ आग उगल रही थी। इमरान सरकार की चक्की में पिस रही पीओके की जनता को इमरान खान ने खूब बहलाया फुसलाया और आखिर में कश्मीर के रेफरेंडम का दांव चल दिया। कश्मीर के लोगों को हम कहेंगे मेरी हुकूमत आपको एक और हक देगी कि रेफरेंडम के जरिए आप फैसला करें कि आप आजाद रहना चाहते हैं या पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। रेफरेंडम होगा इंशाल्लाह। इमरान ने भारत के जम्मू कश्मीर के युवाओं को उकसाने वाले बयान दिए, अलगाववाद को हवा दी, आतंक को सराहा और एक बार फिर मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह हिंदुस्तान को मजबूर करने की बात कही। आगे जाके हिंदुस्तान मजबूर होगा क्योंकि वो कश्मीरियों का जो जज्बा था वो आजादी का जज्बा किसी सूरत नीचे नहीं जाने लगा। कश्मीरी उधर जद्दोजहद कर रहे हैं और कश्मीरियों का सफीर जो आपके सामने खड़ा है, इधर मैं जद्दोजहद करूंगा आपके लिए। इतना ही नहीं, पीओके के लोगों को इमरान ने विकास के हसीन सपने दिखाए। चीन और अरब देशों के टुकड़े पर पलने वाले पाकिस्तान के पीएम इमरान खान नया पाकिस्तान का वादा कर सत्ता में आए थे, लेकिन पिछले 3 सालों में पाकिस्तान को अरबों का कर्जदार बना देने वाले इस हुक्मरान ने उस गुलाम कश्मीर के लिए फिर झूठे वादों का पिटारा खोला, जहां आए दिन पाकिस्तान के शोषण के खिलाफ आक्रोश भरे विरोध प्रदर्शन होते हैं और पीओके के लोग पाकिस्तान के कब्जे से छुटकारे के लिए भारत से गुहार लगाते हैं। जुल्मी करे विकास के दावे। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया जाएगा सिर्फ अपने गरीब निचले कमजोर तबकों को ऊपर उठाने के लिए। जो जनता है उससे मैदान जंग में मिलना है तो हमें इसमें भी कोई आर नहीं है। हम मैदान जंग में उनके कंधे से कंधा मिलाकर जुड़ने के लिए भी तैयार हैं। दरअसल इमरान भारत की कश्मीर नीति से खौफ में हैं। उन्हें हर पल पीओके छिन जाने का डर उन्हें चैन नहीं लेने देता। सदन में जब जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूँ तब तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर
और अक्साइटिन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को आप। अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाई, और किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी। सवाल है, इमरान इस्लामाबाद संभाल नहीं पा रहे और पीओके का सपना देख रहे हैं। इमरान चाहे जितना जोर लगा ले, अब पाकिस्तान के एक और टुकड़े का वक्त करीब आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जिसकी बुनियाद ही झूठ के ऊपर टिकी हुई है, ऐसा पाकिस्तान और ऐसे पाकिस्तान के नियाजी अब पीओके के लोगों से वादा कर रहे हैं, उस वादे का क्या एतबार करना? और वो वादा रेफरेंडम जिसकी वो बात कर रहे हैं वो क्या था, उसमें किस तरह से नई बातें जोड़ रहे हैं नियाजी खान साहब, उसके बारे में भी हम समझेंगे। मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, परिचय आपका करवा देती हूँ। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी जी जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, और रेफरेंडम जो इमरान खान का है उनसे ज्यादा जीडी बख्शी साहब आपको समझा देंगे। इसके अलावा मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, और पीओके हो गया, कश्मीर हो गया, बेहतर ढंग से के सिन्हा साहब उस पूरे इलाके और वहां के दिलों में लोगों के जो है वो आपको समझाएंगे। इसके अलावा कर्नल टिक्को जी भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड कर्नल तेज टिक्को जी, रक्षा विशेषज्ञ। सर बहुत स्वागत है आपका, और मुझे लगता है पीओके जितना इमरान खान जानते हैं उसका 200 गुना आप आज हमारे दर्शकों को समझाएंगे। इसके अलावा दो पाकिस्तानी पत्रकार भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फखर यूसुफ जई जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सना खान मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है, आप दोनों का भी बहुत स्वागत है देश को जवाब दो में। लेकिन सबसे पहले के सिन्हा जी आपके साथ मैं शुरुआत कर रही हूं, ये मैं चाहूंगी सर सबसे पहले दर्शकों को ये जो रेफरेंडम जिसकी बात इमरान खान कर रहे हैं आप वो पहले समझा दीजिए, और उसमें नई बात जो इमरान खान की तरफ से जोड़ी गई है कि पीओके के लोगों को ये आजादी होगी कि वो अपना अलग राज्य बनाए, ये किस ढंग से नई बात जोड़ी गई है वो आप पहले बता दें। के सिन्हा साहब, देखिए सालिम जी, आपने रेफरेंडम की बात की, ये यूएन के रेफरेंडम की बात हो रही है। देखिए 1947-48 में जब इंडियन फोर्सेस मुजरबाबाद के दरवाजे को खटखटा रही थी, उस समय हमने एक बड़ा भूल किया और यूएन में हम चले गए, पहले चैप्टर 4 फिर चैप्टर 6 के ऊपर में। तो ठीक है, ये रेफरेंडम का बखेड़ा हुआ और उस बखेड़े में यूएन ने एक बहुत बड़ी बात कही, यूएन ने कहा कि रेफरेंडम जरूर होगा मगर पाकिस्तान सबसे पहले उस जमीन को पूरा खाली करे, उसकी एक भी इंच में पाकिस्तान की फौज नहीं होनी चाहिए, यह रेफरेंडम का हिस्सा है सालिनी। और रेफरेंडम में जो बात कर रहे हैं, और आप जानती हैं पाकिस्तान का किस तरह से ऑक्यूपेशन है पीओके गिलगित बाल्टिस्तान में, अब तो उन्होंने चाइना का एंट्री करा दिया वहां, तो ये क्या बातें कर रहे हैं, किस रेफरेंडम की बात कर रहे हैं। रेफरेंडम का पहला क्लॉज सालिनी जी, यदि इमरान खान साहब कर दें वो तो हम भी कहते हैं, और हमारे पार्लियामेंट के अंदर रेजोल्यूशन है, और ये रेजोल्यूशन है कि पीओके हमारा हिस्सा है। आज क्यों बातें करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इस तरह से लोगों को बरकलाते हैं, क्योंकि उनको तो कुछ इस तरह का ज्ञान है नहीं। बात ये है कि देखिए अभी इलेक्शन होगा जम्मू एंड कश्मीर में, और जो वहां से हमारी 23 सीट्स हैं और हमारे पार्लियामेंट की सीटें भी हैं तकरीबन 5 या 6, उसके ऊपर भी हमारे यहां पर इलेक्शन होगा, तो यहां पर हमारे चुने हुए नुमाइंदे आएंगे पीओके से। और आपने सुना जिस तरह के पीओके के लोग कहते हैं कि आप आगाज दीजिए, हम खड़े हैं, हम तो आपके साथ मिलना चाहते हैं। रेफरेंडम की बात करते हैं, रेफरेंडम तो ऑलरेडी जमीन के ऊपर है।